हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइज, व्हाट्स अप। तो सबसे पहले गाइज, आप में से काफ़ी लोग एक सवाल पूछते हैं कि मिल्टन बॉक्स कैसे मिलेगा, मिस्ट्री बॉक्स कैसे मिलेगा। तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये सब कैसे मिलता है, बट ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग अभी बिल्कुल नए नए पोकेमॉन गो में आए हैं गाइज, और जिनको ये मेथड नहीं पता है। तो आपको पता है पोकेमॉन गो ने गाइज लास्ट ईयर ही अपने इस गेम में गाइज एक नया फीचर ऐड किया था जिसका नाम था पोकेमॉन होम। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको तीन चीज़ें बताऊँगा जो आपको करनी है। अगर वो तीनों चीज़ आप कर लेते हैं तो आपको गाइज मिल्टन बॉक्स मिल जाएगा, मिस्ट्री बॉक्स मिल जाएगा गाइज। सबसे पहले गाइज चीज़ है वो क्या करनी है, आपको करना है पोकेमॉन गो डाउनलोड, वो सबके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या करना है गाइज, आपको पोकेमॉन होम डाउनलोड करना पड़ेगा। अब पोकेमॉन होम क्या होता है गाइज, सो पोकेमॉन होम एक ये गेम है गाइज, मतलब उसमें क्या है कि स्टोरेज टाइप का है, और ये पता नहीं कहाँ क्लिक कर दिया मैंने। तो ये गाइज आपको करना पड़ेगा, ये है पोकेमॉन होम, इसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप पोकेमॉन गो से पोकेमॉन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पोकेमॉन ट्रांसफ़र किए हैं, और जितनी बार भी आप ट्रांसफ़र करेंगे उतनी बार आपको मिलेगा यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स, यानी मतलब पोकेमॉन गो में मिलेगा मिस्ट्री बॉक्स गाइस। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। अब बात ऐसी है कि बहुत लोग ये चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में बता दिया, मैंने बहुत जगह बताई ये बातें, बट लोग कर नहीं पा रहे हैं गाइस। तो मैं यहाँ पर आपको फुल प्रोसेस बता रहा हूँ गाइस, बता रहा हूँ करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं कर नहीं सकता, आप लोग समझ सकते हैं गाइज मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइज मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, पोकेमॉन गो पोकेमॉन होम। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको क्या करना है गाइज, आपको लॉगिन करना है, आपको क्रिएट अकाउंट करना है। कहाँ पे करना है, निंटेंडो अकाउंट में क्रिएट करना है। आप गूगल खोलें, गूगल खोलने के बाद वहाँ पर लिखें निंटेंडो क्रिएट अकाउंट, क्रिएट निंटेंडो अकाउंट, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ जाइए वेबसाइट में गाइज, और वहाँ पर आप साइनअप कर लें, साइनअप कर लें, फेसबुक से करना, जिससे करना उससे कर लें। अब गाइज जब आप साइनअप हो जाए, लॉगिन हो जाए, फिर क्या करना है गाइज, फिर आपको खोलना है पोकेमॉन होम। पोकेमॉन होम खोल के आपको निंटेंडो अकाउंट से वहाँ पर भी साइनअप करना है। जब वहाँ भी साइनअप हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए गाइज, फिर आना है पोकेमॉन गो में। जब पोकेमॉन गो में आप आएंगे तो आपको जाना है सेटिंग पे गाइज, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बिल्कुल नीचे जाना गाइज, बिल्कुल नीचे आपको यहाँ मिलेगा पोकेमॉन होम, इस पर आप क्लिक करेंगे गाइज। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ किससे लॉगिन करना है, निंटेंडो अकाउंट से लॉगिन करना है इस जगह पर। जब आप निंटेंडो अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे तो आपका स्क्रीन बिल्कुल मेरी तरह आ जाएगा। अब क्या करना है गाइज, अब यहाँ पोकेमॉन सेंड करने हैं, कंटिन्यू करते हैं गाइज। अब यहाँ पर आप कोई भी पोकेमॉन सेंड कर सकते हैं, जो भी आप सेंड करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं चेस्पियन को सेंड कर देता हूँ गाइज, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है गाइज, और यहाँ मुझे एक कैंडी भी मिल गई है, और गाइज यहाँ मुझे मिल गया मिस्ट्री बॉक्स, ठीक है गाइज। और ये आपको तीसरे दिन मिलता है, वहाँ पर काउंटिंग लिखी रहती है, जैसे आप यूज़ कर लेंगे फिर तीन दिन बाद फिर मिल जाता है गाइज। तो ये एक तरीके से अनलिमिटेड है गाइज, जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं। अब ये गाइज मिस्ट्री बॉक्सेस को अगर मैं ओपन करता हूँ तो बहुत सारे मिल्टन अपियर होंगे। सो ये था इस वीडियो में गाइज, अगर आपको ये समझ आ गया है पूरा प्रोसेस तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।